हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज प्रोफेसर कविता ब्राह्मणकर, सीओ डिपार्टमेंट, एनआईटी पॉलिटेक्निक नागपुर। आई वेलकम्स यू टू द ऑनलाइन लेक्चर सीरीज ऑफ सब्जेक्ट कंप्यूटर नेटवर्किंग एंड डेटा कम्युनिकेशन। टुडेज टॉपिक इज मैसेज स्विचिंग। इट इज पार्ट ऑफ यूनिट 3, दैट इज फिजिकल लेयर। द लर्निंग आउटकम्स ऑफ दिस वीडियोज आर, यू विल बी एबल टू डिस्क्राइब द कंसेप्ट ऑफ मैसेज स्विचिंग, देन ड्रॉ द डायग्राम or the working diagram of message switching and state advantages and disadvantages of message switching. Course outcome that is going to map is CO3, maintain relevant transmission medium and modem for data transmission. Then program outcomes, those are going to map are PO1, 4, 6 and 7. Prerequisite to this topic is you should know all the types of transmission medium, that is guarded transmission medium and unguarded transmission medium. Then what is message switching? So message switching is a technique in which a message is transferred as a complete unit and routed through intermediate nodes at which it is stored and forwarded. Message switching ye message transfer karne ki ek technique hai, जिसमें इंटरमीडिएट नोड को एक फैसिलिटी होती है कि वो डेटा को स्टोर कर सके कुछ देर के लिए, एंड आफ्टर सम टाइम इट विल फॉरवर्ड दैट डेटा। ओके, सो मैसेज स्विचिंग में मैसेज जो होता है कंप्लीट, उसको हम एक यूनिट कंसिडर करते हैं और जो उसके लिए पॉसिबल ऑप्टिमम जो रूट है उसको सिलेक्ट करके हम स्विचेस के थ्रू, मैसेज स्विचेस के थ्रू हम उस मैसेज को पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे ट्रांसफर करते हैं। सो दिस इज मैसेज स्विचिंग। इन मैसेज स्विचिंग टेक्निक देयर इज नो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ डेडिकेटेड पाथ बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर। जैसे कि हमने सर्किट स्विचिंग में देखा था कि वहां पे एक डेडिकेटेड पाथ जो है वो इस्टैब्लिश होने की जरूरत है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। मैसेज स्विचिंग में डेडिकेटेड पाथ क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। द डेस्टिनेशन एड्रेस इज अपेंडेड टू द मैसेज। मैसेज स्विचिंग प्रोवाइड्स अ डायनेमिक राउटिंग एज द मैसेज इज राउटेड थ्रू द इंटरमीडिएट नोड्स बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन द मैसेज। सो मैसेज जो है उसके लास्ट में हम डेस्टिनेशन एड्रेस जो है उसको अपेंड कर देंगे, मीन्स ऐड करेंगे। तो मैसेज जो है हमारा उसके लास्ट में हम डेस्टिनेशन एड्रेस को अटैच करेंगे। और जो हमारे स्विच है उसका टाइप जो है मैसेज स्विच, तो ये स्विच क्या करेगी, डायनामिक राउटिंग प्रोवाइड करेगी, मीन्स जो भी अवेलेबल बेस्ट पॉसिबल पाथ है हमारे पैकेट के लिए या डेटा के लिए, उस पैकेट को वो सिलेक्ट करेगी, डायनामिक राउटिंग परफॉर्म करेगी उस पैकेट के ऊपर। Then message switches are programmed in such a way so that they can provide the most efficient route. तो हमारे जो switches होते हैं message switches, उसको इस तरह से हम program करेंगे, इस तरीके से उसका software होता है कि best possible जो efficient route है, means कम से कम time में कम से कम collision जहाँ पे occur होगा ऐसा ही route वो select करेंगे और हमारा message वो forward करेंगे। तो ये facility जो है message switch में provide की गई है। Each and every node stores the entire message and then forward it to the next node. This type of network is known as stored and forward network. Message switches के अंदर हमको facility दी गई है कि कुछ time के लिए वो message को store करके रख सकती है और after some time उस message को दूसरे node के लिए, means दूसरे switch के लिए वो forward करेगी। तो इस तरीके से हमको मैसेज स्विचेस में फैसिलिटी की दी गई है, उसको हम स्टोर्ड एंड फॉरवर्ड ये फैसिलिटी बोलेंगे। मैसेज स्विचिंग ट्रीट्स ईच मैसेज एज एन इंडिपेंडेंट एंटिटी। तो पर्टिकुलर एक एक जो मैसेज है उसको एक एक एंटिटी कंसिडर करके हमारा मैसेज ट्रांसफर या स्विच होता है। सो देखिए, ये एक हमारा सेंडिंग नोड है, ये रिसीविंग नोड है हमारा। देन यहाँ पे हमने बहुत सारे मैसेज स्विचेस लगाए, दिस S1, S2, दीज आर द स्विचेस। तो हमारे पास दो मैसेज है सेंड करने के लिए, तो मैसेज वन के लिए बेस्ट पाथ कौन सा है, तो ये है थ्रू S1, S2, S4 एंड H6। ये हमारा मैसेज वन के लिए बेस्ट पाथ है, जो हमारे मैसेज मैसेज स्विच के अंदर जो प्रोग्रामिंग फैसिलिटी है उसने इस बेस्ट रूट को सिलेक्ट किया है मैसेज वन के लिए। एंड देन मैसेज टू के लिए ये S1,
S3, then S4 and then S6 and then to B. तो ये मैसेज 2 के लिए हमारे मैसेज स्विच ने इस ऑप्टिमम पाथ को सिलेक्ट किया है. तो इस तरह से पर्टिकुलर मैसेज को एक सिंगल एंटिटी कंसिडर करके हमारी मैसेज स्विच फ्रॉम सेंडर टू डेस्टिनेशन हमारा जो डेटा का पैकेट है वो ट्रांसफर करेगी. देन एडवांटेजेस, डेटा चैनल्स आर शेयर्ड अमंग द कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस दैट इम्प्रूव द इफिशियंसी ऑफ यूजिंग अवेलेबल बैंडविड्थ. हमारी जो बैंडविड्थ है वो नंबर ऑफ डिवाइसेस में शेयर हुई है, इसीलिए हम जो बैंडविड्थ का है वो फुल्ली और इफिशियंटली यूटिलाइजेशन कर सकते हैं. ट्रैफिक कंजेशन कैन बी रिड्यूस्ड बिकॉज द मैसेज इज टेम्पररीली स्टोर्ड इन द नोड. अब हमारा चैनल जो है वो बहुत सारे डिवाइसेस शेयर कर रहे हैं, तो कंजेशन को हम कंट्रोल कैसे करेंगे, रिड्यूस कैसे करेंगे, या फिर ट्रैफिक कंजेशन को हम कंट्रोल कैसे करेंगे. तो यहाँ पे हमारे जो नोड्स है उसमें नोड के अंदर टेम्पररीली मैसेज को कुछ टाइम के लिए स्टोर करने की फैसिलिटी है, और जैसे ही कंजेशन वहां से ट्रैफिक रिलीज होती है वैसे ही फिर नोड को फॉरवर्ड डेटा को फॉरवर्ड करने की भी फैसिलिटी हमारे नोड के अंदर है. तो इस फैसिलिटी का यूज करके हम कंजेशन को अवॉइड कर सकते हैं. देन मैसेज प्रायोरिटी कैन बी यूज्ड टू मैनेज द नेटवर्क. अब बहुत सारे डिवाइसेस जो है वो शेयर कर रहे हैं कम्युनिकेशन चैनल, लेकिन कौन से मैसेज को प्रायोरिटी देनी है ये फैसिलिटी के थ्रू भी हम नेटवर्क का जो ट्रैफिक है उसको मैनेज कर सकते हैं. द साइज ऑफ द मैसेज विच इज सेंट ओवर द नेटवर्क कैन बी वैरीड, देयरफॉर इट सपोर्ट्स द डेटा ऑफ अनलिमिटेड सेंड. तो हमारे मैसेज जो है वो वैरी, उसका साइज जो है वैरी हो सकता है. कोई मैसेज कम वॉल्यूम का है, कम कोई जो डेटा है वो ज्यादा वॉल्यूम का है, उसका जो साइज है वो ज्यादा है. तो इस तरीके से हम वैरायटी ऑफ मैसेजेस हम सेंड कर सकते हैं. देन डिसएडवांटेजेस, द मैसेज स्विचेस मस्ट बी इक्विप्ड विद सफिशियंट स्टोरेज टू इनेबल देम टू स्टोर द मैसेजेस अंटिल द मैसेज इज फॉरवर्डेड. तो जैसे कि हमारी मैसेज स्विच में हमको फैसिलिटी दी गई है स्टोरिंग एंड फॉरवर्डिंग ऑफ मैसेजेस, तो हमारे मैसेज स्विच के अंदर उतनी मेमोरी होना जरूरी है, सफिशियंट स्टोरेज होना जरूरी है, ताकि कुछ देर के लिए वो पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ पैकेट को स्टोर कर सके. ओके, सो इतना स्टोरेज होना जरूरी है. देन द लॉन्ग डिले कैन ऑकर ड्यू टू द स्टोरिंग एंड फॉरवर्डिंग फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय द मैसेज स्विचिंग टेक्निक. तो मैसेज स्टोर करने के लिए कुछ ना कुछ टाइम लगेगा और उसको फॉरवर्ड करने के लिए कुछ ना कुछ टाइम लगेगा, तो थोड़ा सा डिले होने के यहाँ पे चांसेस हैं मैसेज स्विचिंग टेक्निक का यूज करने के बाद. तो थोड़ा सा हम सफर हो जाएंगे बिकॉज ऑफ लॉन्ग डिले ड्यू टू स्टोरिंग एंड फॉरवर्डिंग फैसिलिटी ऑफ मैसेज स्विचिंग. सो दीज टू आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ मैसेज स्विचिंग. सो डियर स्टूडेंट्स, लेट अस समराइज टुडेज लेक्चर. Today we have seen what is message switching, then working diagram of message switching, and advantages and disadvantages of message switching. Thank you for watching the video. Thank you so much. Keep learning and enjoy learning.